हालेलुया, सबको जय मसीह की। मैं प्रोफेट सुमनदीप और आपका स्वागत है बिशप अमरदीप मिनिस्ट्री में। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, प्रभु आपका जीवन में अद्भुत कार्य करें और आप आशीष को पाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और हमारा आज का टॉपिक है उद्धार का शुभ संदेश। हालेलुया, शब्द इतने अच्छे हैं, उद्धार, जो परमेश्वर हमारा उद्धार किया, और शुभ संदेश, अच्छा संदेश परमेश्वर आज हमारे लिए लेकर आए हैं। हालेलुया, आइए हम पढ़ते हैं। लिखा कि प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है और सच में परमेश्वर यहोवा का आत्मा हम में है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं। हालेलुया, और सच में जो लोग इस चीज में फंसे हुए हैं, जो खेदित मन वाले लोग हैं, जो बंदी हैं और जो छुटकारा ढूंढ रहे हैं कि छुटकारा कहाँ है, छुटकारा कहाँ है, छुटकारा कहाँ है, जो सालों साल से फंसे हुए हैं, एक नाम है, वो नाम है प्रभु यीशु मसीह, जो हमें छुटकारा देता है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके जीवन बदल जाएंगे, आपके हर तरह के हालात बदल जाएंगे, आप स्वतंत्र हो जाएंगे, आपको छुटकारा मिलेगा हर एक बात से, क्योंकि परमेश्वर महान है। वचन कहता है कि यहोवा के प्रसन्न रहने के वर्ष का और हमारे परमेश्वर का पलटा लेने का दिन का प्रचार करूं। हालेलुया, कि सब मिलाप करने वालों को शांति दूं। हालेलुया, और सियोन के मिलाप करने वालों के सिर पर की राख दूर करके सुंदर पगड़ी बांध दूं, कि उनका विलाप दूर करके हर्ष का तेल लगाऊं और उनकी उदासी हटाकर यश का ओढ़ना ओढ़ाऊं। हालेलुया, कितनी गहरी गहरी बातें लिखी हुई है यहाँ पर, कि जो विलाप में है, जो चिंता में है, अपने पर इतने डिप्रेशन लेके बैठे हैं, अपने ऊपर इतना बोझ लेके बैठे हुए हैं, अपने ऊपर इतनी चिंताएं लेकर बैठे हुए हैं, अपने ऊपर इतना स्ट्रगल लेकर बैठे हुए हैं, कैसे होगा, कब होगा, कहाँ होगा, क्या होगा, हमारा कुछ नहीं हो सकता, दुष्ट आत्मा का असर लेकर अपने ऊपर बैठे हुए हैं, गरीबियों का बोझ लेकर अपने ऊपर बैठे हुए हैं, परेशानी का बोझ लेकर अपने ऊपर बैठे हुए हैं। वचन कहता है कि इन सबको दूर करके हर्ष का तेल लगाऊं और उनकी उदासी हटाकर यश का ओढ़ना पहनाऊं। मतलब कि परमेश्वर आपका जीवन में हर्ष देगा, हर्ष मतलब आनंद। हालेलुया, उनकी उदासी, जो आप उदास हैं, आपकी उदासी को खत्म कर कर परमेश्वर आपको यश का ओढ़ना उड़ाना चाहते हैं। हालेलुया, जिससे वे धर्म के बांझ वर्ष और यहोवा के लगाए हुए कहलाएं और जिससे उसकी महिमा प्रकट हो। ये नहीं कि हम इतने प्रॉब्लम है, हम इतने संकटों में, हम इतनी मुसीबत में हैं, जी हम तो मसीह में भी हैं तो भी संकट है, मुसीबतें हैं, नहीं। वचन क्या कह रहा है कि मैं तुम्हारे ऊपर हर्ष का तेल लगाऊंगा, तुम्हारी उदासी हटाऊंगा और परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेंगे, जिससे परमेश्वर का नाम ऊंचा हो, ना कि परमेश्वर का नाम नीचा हो। हालेलुया, लिखा कि तब वह बहुत काल के उजड़े हुए स्थानों को फिर बसाएंगे, जो कि उजड़ चुके हैं, जो लोग परमेश्वर उन्हें फिर से बसाएंगे। लिखा है कि पूर्व काल से पड़े हुए खंडरों में से फिर वह घर बनाएंगे। हालेलुया, उजड़े हुए नगरों को पीढ़ी से पीढ़ी उजड़े हुए वे फिर नए सिर से बसाएंगे, जो पीढ़ी दर पीढ़ी उजड़ते आ रहे हैं, जिनके ऊपर पीढ़ी दर पीढ़ी शराब चलते आ रहे हैं। क्या चलते आ रहे हैं? शराब चलते आ रहे हैं उनके ऊपर। आज ही मेरे पहले पापा पे था, फिर मेरे पे हो गया, मेरे दादा पे था, मेरे परदादे पे था, शराब 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 शराब। परमेश्वर कह रहे हैं मैं उन सब शराबों को तोड़ दूंगा और एक नए सिरे से तुमको मैं बसाऊंगा, कहीं आमीन। जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, ये सब आशा हमें मिल जाती है। हालेलुया, वचन कहता है बहुत काल के उजड़े हुए स्थानों को फिर बसाऊंगा, जो उजड़ चुके हैं स्थान, जहां पर लोग कहते हैं कि जी अब तो हमने 36 बार ये काम करके देख लिया, ये हमारा काम नहीं हो रहा, ये हमारा काम नहीं हो रहा। शिमोन जब जाल डाल रहा था, वो भी ये कह रहा था कि अब नहीं होगा परमेश्वर जी, अब हमसे नहीं होगा, ऐसा नहीं। प्रभु ने कहा अब डाल, जब उसने जाल को डाला तो दो दो नावें भर गई और आसपास के हर जगह में फैल गया कि परमेश्वर ने इसे ब्लेस किया है। हालेलुया, और वचन यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि परमेश्वर कह रहे हैं जो खंडर हो चुके हैं, अगर आपके घर खंडर हो चुके हैं, अगर आपकी दुकानें खंडर हो चुकी हैं, अगर आपकी जमीनें खंडर हो चुकी हैं, अगर आपकी
फसलें खंडर हो चुकी हैं, परमेश्वर उनका हरा भरा करने जा रहे हैं। कहीं आमीन। परमेश्वर आपके जीवनों को हरा भरना करने जा रहे हैं, आपके घरों को हरा भरा करने जा रहे हैं। वही परमेश्वर जो सब कुछ बनाने वाला परमेश्वर है, वो आपके जीवन में अद्भुत कार्य करने वाला है, अद्भुत ब्लेसिंग आपको देने वाला है। हालेलुया। वचन कहता है तुम यहोवा के याजक कहलाओगे। ये नहीं है कि तुम बस ऐसे वैसे नहीं, बल्कि आप लोग यहोवा के याजक कहलाओगे, वह तुमको हमारे परमेश्वर के सेवक कहेंगे, और जाति जाति की धन संपत्ति को खाओगे, और उनके वैभव की वस्तुएं पाकर तुम बड़ाई करोगे। हालेलुया। कितना अच्छी अच्छी बात लिखी है कि धन संपत्ति को परमेश्वर ब्लेस करेगा, हमारी धन संपत्ति को परमेश्वर ब्लेस करेंगे। लिखा कि तुम यहोवा के याजक कहलाओगे, वह तुमको हमारे परमेश्वर के सेवक कहेंगे। अच्छा ये चर्च वाले हैं, अच्छा ये चर्च वाले हैं, अच्छा ये मसीह लोग हैं, अच्छा ये लोग हैं। ये नहीं कहेंगे अच्छा ये लोग हैं क्या, ये नहीं, बल्कि ये कहेंगे कि ये मसीह के लोग हैं। हालेलुया, हालेलुया। और सच में परमेश्वर का वचन कह रहा है कि तुम यहोवा के याजक कहलाओगे, वह तुमको हमारे परमेश्वर के सेवक कहेंगे, और तुम जाति जाति के धन संपत्ति को खाओगे, उनके वैभव की वस्तु पाकर तुम बढ़ाई करोगे। हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद देंगे, प्रभु जी इस चीज के लिए आपका धन्यवाद, पिता परमेश्वर इस घर के लिए आपका धन्यवाद, इस चीज के लिए आपका धन्यवाद, हर एक बात के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर महान वचन कह रहा है कि मैं तुम्हें बदले का दूना सुख दूंगा। यशायाह 61 आप पढ़ सकते हैं, वचन कह रहा है कि मैं तुम्हें बदले में दूना सुख दूंगा। हालेलुया। और अनादर के बदले तुम अपने भाग के कारण जयजयकार करोगे। मसीह के कारण आजकल बहुत से लोगों का बहुत कुछ हो रहा है। हालेलुया। बहुत कुछ हो रहा है, और कुछ लोग कहते हैं कि ये तो अच्छा, ये तो लोग मसीह लोग हैं, उनका अनादर करते हैं, बहुत अनादर, उनको तुच्छ जानते हैं, उनको मतलब ये समझते हैं कि मतलब ये तो कीड़े हैं नाली के मसीह लोगों को। लेकिन वचन जो हमारी ढाल है, वचन क्या कह रहा है कि अनादर के बदले अपने भाग के कारण जय जयकार करोगे, तुम अपने देश में दूने भाग के अधिकारी होगे और सदा आनंदित बने रहोगे। हालेलुया का आमीन। जितना हमारा अनादर हुआ, परमेश्वर कह रहे हैं तुम्हारे शौक मैं बदल दूंगा। हालेलुया। तुम्हारे विलापों को मैं बदल दूंगा, हमारे शोक आनंद में बदल जाएगा। कहीं आमीन। वचन कहता है मैं यहोवा के कारण अति आनंदित हो जाऊंगा, मेरा प्राण परमेश्वर के कारण मगन रहेगा, क्योंकि उसने मुझे उद्धार के वस्त्र पहनाए और धर्म की चादर ऐसी ओढ़ दी जैसे दूल्हा फूलों की माला से अपने आप को सजाता है और दुल्हन अपने गहनों से अपना सिंगार करती है। क्योंकि जैसे भूमि अपनी उपज को उगाती है और बारी में जो कुछ बोया जाता है उसका वह उपजाती है, वैसे ही प्रभु यहोवा सब जातियों के सामने धार्मिकता और धन्यवाद को बढ़ाएगा। हालेलुया। किसको बढ़ाएगा परमेश्वर? धार्मिकता और धन्यवाद को। हालेलुया। वचन कह रहा है कि मैं यहोवा के कारण अति आनंदित होऊंगा, और उदाहरण भी दे रखा है कि आप आनंदित कैसे होंगे। छोटे मोटे आनंदित नहीं, ऐसे ऐसे वैसे आनंदित नहीं, बल्कि लिखा है मैं यहोवा के कारण अति आनंदित होऊंगा, मेरा प्राण परमेश्वर के कारण मगन होगा। यानी कि हाय मेरी जान निकलती जा रही है, बीमारियों से मेरी जान निकलती जा रही है, इस संकट से मेरी जान निकलती जा रही है, इस चिंता से मेरी जान निकलती जा रही है, इस बोझ से मेरी जान निकलती जा रही है, इस टेंशन से मेरी जान निकलती जा रही है, क्या बनेगा, कैसे बनेगा, कब बनेगा, कब होगा, ये नहीं। वचन कहता है, साफ साफ वचन हमें ये बता रहा है यहाँ पर कि मेरा प्राण परमेश्वर के कारण मगन रहेगा। आप भी आज मेरे पीछे बोलकर कहें कि मेरा प्राण परमेश्वर के कारण मगन रहेगा, मेरा प्राण परमेश्वर के कारण मगर रहेगा, मेरा प्राण परमेश्वर के कारण मगर रहेगा, मेरा प्राण परमेश्वर के कारण मगर रहेगा। हम ये नहीं मरने पे नहीं रहेंगे, हम अब हम गए हमें बचा लो, हम मर गए हमें बचा लो, हम तो गए हमें बचा लो, नहीं, बल्कि परमेश्वर का वचन हमें ये कहता है कि मेरा प्राण परमेश्वर के कारण मगर रहेगा, और निश्चय हमारा प्राण मगर रहेगा, कोई भी हमारे प्राण को छीन नहीं पाएगा। हालेलुया। कोई भी विरोधी, कोई भी संकट, कोई भी शैतानी बंधन, आपने देखा होगा लोग फांसी ले लेते हैं, अपना प्राण दुष्ट आत्मा छीन लेती है, लेकिन परमेश्वर हमें हमेशा बचा के रखते हैं। इसलिए अपने आंखों को बंद करें, आइए हम प्रार्थना करते हैं। इतना सुंदर वचन के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें और कहें कि प्रभु जी सच में मेरे पिता आज इस वचन से मेरे पिता मैंने बहुत कुछ सीखा कि जब हमारा अनादर कर रहे हैं, लेकिन मेरे पिता
आप हमें दोनों भाग योग्य आपने हमें समझा, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपने हमारी रक्षा की, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं मेरे पिता। ये वचन शैतान हमारे अंदर से चुराने न पाए मेरे पिता, और सच में हम ब्लेस रहे मेरे पिता। ये उद्धार का एक शुभ संदेश है मेरे पिता कि सच में परमेश्वर महान है, और सच में परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है, सच में परमेश्वर का जलाल मुझके अंदर है, सच में परमेश्वर की महान सामर्थ्य मेरे अंदर है। निश्चय परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेंगे और आप आशीष को पाएंगे। प्रभु आपको ब्लेस करें और आप आशीष परमेश्वर के नाम से।